जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि ये हमारे पास मोबाइल फोन है रियलमी का। इस मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर फोन में पासवर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पासवर्ड लगा हुआ। तो उस पासवर्ड को कैसे तोड़ेंगे? देखिए क्या पासवर्ड तोड़ने के लिए क्या मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि बहुत ईजी, कि जिससे क्या रहता है पासवर्ड को आप आसानी से तोड़ सकते हो। अगर उसके अंदर एफआरपी लग जाएगा तो एफआरपी को तोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा कब कर सकते हो उसका रीजन क्या है, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझनी है। जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ गया, मैं कहता हूँ रियलमी का C2 मोबाइल फ़ोन आ गया। रियलमी C2 को बात छोड़िए, आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आ जाता है जिसके अंदर आपका MTK C2 लगा होता है। क्या लगा होता है? MTK C2 लगा होता है। तो MTK C2 को जब आप सेट को क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, मतलब वाइप डाटा करेंगे। जब वाइप डाटा करेंगे तो वाइप डाटा करते समय वो पासवर्ड मांगता है। क्या मांगता है? पासवर्ड मांगता है। वो पासवर्ड क्या होता है, ऊपर ही लिख करके आता है। क्या होता है? वो पासवर्ड लिख करके आता है। तो लोग गलत पासवर्ड डालते हैं, तो जो ऊपर लिख करके आता है वही पासवर्ड डाल दीजिए, आपका फोन क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। और बात आती है जब इसमें FRP लगने की, तो अगर इसमें हमारी FRP लग जाएगी तो FRP के लिए फिर वही अपना कोड है, ये 4 है 812 है या 4 है 813 है। ये वाला रियलमी के लिए, ये वाला किसके लिए है? ओप्पो के लिए। यदि ओप्पो का फोन आता है तो ये करेंगे, और रियलमी का फोन आता है तो आप ये वाला ट्राई करेंगे। तो इससे क्या रहेगा, आप फोन को रीसेट कर सकते हैं और उसके अंदर FRP को बाईपास कर सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ को मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस फोन के अंदर। जैसे मान लिया मेरे पास ये मोबाइल फोन आ गया, सबसे पहले मैंने मोबाइल फोन को चालू किया। बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिसमें रियलमी के जैसे फोन में पासवर्ड की तो प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम अजीब और गरीब टाइप की। जैसे हमने फोन को चालू किया तो ऑटोमेटिक फोन रिकवरी मोड में चला जाता है। तो कस्टमर को लगता है अरे मेरे मोबाइल फोन को लगता है सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, सॉफ्टवेयर चला गया, तो सॉफ्टवेयर करने का हम लोग पैसा ले लेते हैं। तो अब सबसे पहली बात क्या करना है, हमने इसके माइनस वाली बटन को दबाना है। क्या करना है? माइनस वाली बटन को दबाना है। जब माइनस वाली बटन को दबाने और फिर सेट को चालू करना है। आप देखिए इधर आइए, पासवर्ड में सारी चीज़ें आपको एक एक करके डिस्प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ। करना माइनस वाली बटन को दबाया, माइनस वाली बटन दबाने के बाद फिर हमने क्या करना, फ़ोन को चालू किया, फ़ोन हमारा चालू हो जाएगा। ये देखिए रिकवरी मोड लिख करके आएगा, आपका फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाएगा। ये सारी आपकी ऐसी वीडियो है जो बेसिक वीडियो है जो आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में हेल्प करती हैं। अब हमने क्या करना, सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट किया। अब आपको क्या करना है, वाइप डाटा में जाना है। अब देखिए पासवर्ड डालने पर, अगर आप देखेंगे तो ऊपर ही पासवर्ड लिख करके आ जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ MediaTek CPU ही देता है, जो MediaTek के फ़ोन आते हैं उसके अंदर ऐसा आ जाता है, लेकिन बाकी जो Qualcomm आता है उसमें ऐसा फीचर्स नहीं आता। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आप प्रेस करेंगे 5887। ये देखिए हो गया जी सर। ये क्या कर रहा है, फॉर्मेट डाटा, फॉर्मेट डाटा। ओके कर दीजिए, ये आपको फ़ोन में वाइप डाटा हो गया। जो आप ISP पिन आउट के द्वारा करते हैं, UMTL द्वारा करते हैं, वो सारा काम आपका इसमें हो गया, आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट होने के बाद आपका फ़ोन क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। सर पैटर्न लगा तो बटन शो करेगा? हाँ पैटर्न शो करेगा, पैटर्न नहीं शो करेगा, पासवर्ड शो करेगा। पासवर्ड दीजिए, पैटर्न में ये शो करेगा कि आपको पैटर्न का नंबर दिखाएगा। नंबर दिखाएगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो नंबर दिखाएगा, वो नंबर आप ड्रॉ कर दीजिए। अल्फाबेट लगा तो जिसमें जो भी लगा हुआ नंबर आ जाएगा। ये ऐसा सिर्फ MediaTek CPU देता है, Qualcomm नहीं देता। अपने मन से चेंज कर देता है। 8964 है। सारे मोबाइल फोन आते हैं जो ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिसके अंदर MediaTek का प्रोसेसर लगा होता है।
ये जो ऑप्शन होता है सिर्फ रियलमी और ओप्पो के लिए रहता है, ये जो मैंने आपको बताया हुआ है कि सिर्फ रियलमी ओप्पो मोबाइल फ़ोन में होता है और उसमें मीडियाटेक प्रोसेसर लगा होना चाहिए। अगर क्वालकॉम प्रोसेसर होता तो उसके अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं आता, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको या तो एमपी के द्वारा करना पड़ेगा या तो यूपीआई के द्वारा करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम आईएसपी पिन आउट से करेंगे या उसको ऑनलाइन करेंगे। तो ऐसे जो भी सारे मोबाइल फ़ोन आएंगे जो मीडियाटेक है, जैसे रियलमी का C2 हो गया या C2 के बाद या 5i करके आता है, रियलमी का 5i करके आता है, बहुत ऐसे रियलमी के मॉडल आते हैं जो हम इस तरीके से इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास टूल्स नहीं है, डोंगल नहीं है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम लोग इसको इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको अनलॉक कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ दी हुई है। ठीक है।